अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए कांग्रेस ने रविवार को अपना आरोप पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने यादवनाथ शीर्षक के साथ अपना आरोप पत्र जारी किया है। इस आरोप पत्र में कांग्रेस ने 103 बिंदुओं पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया ने भाजपा पर तीखा तंज कसा है। पुनिया ने भाजपा से पुराने चुनावी वादों पर सवाल करते हुए पूछा कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। पुनिया ने भाजपा के याद है न वाले विज्ञापन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले अपने बीते चुनावों के वादों को याद रख ले, जनता को बीते 15 साल की सरकार याद है। पुनिया ने कहा कि प्रदेश की जनता को 15 सालों में पिछड़ना याद है। कांग्रेस ने याद है न के शीर्षक के साथ ही अपना आरोप पत्र भी जारी किया है, जिसमे कांग्रेस ने भाजपा के सरकार पर कुल 103 बिंदुओं पर आरोप लगाए हैं। लोगों ने जो याद दिलाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि याद है ना, जनता ने कहा कि हम तो बहुत कुछ और याद है हमको, और केवल हमारी याददाश्त के ऊपर केवल आपका कब्जा नहीं है, हम स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, हम स्वतंत्र हैं अपना उसके आधार पर आपने जो किया उसके आधार पर वोट देने के लिए। उन्होंने वोट दिया और उसके नतीजे निकलेंगे। हमने घोषणा पत्र जारी किया और आपने देखा होगा ये जनता के बीच में जाके हर वर्ग के बीच में पहुंचकर लोगों से राय लेकर ये घोषणा पत्र बनाए, और इसलिए आपने देखा होगा इसका नाम जन घोषणा पत्र है। 1 लाख से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद ये घोषणा पत्र जारी हुआ है, और हर बिंदु के ऊपर हमें जनता का, वोटर्स का समर्थन प्राप्त हो रहा है। इधर पुनिया ने चर्चा करते हुए कहा कि इसके साथ ही पुनिया ने रमन को हारा हुआ सेनापति करार दिया है। साथ ही भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब बेचने का काम सरकार ने अपने हाथों लिया, जबकि शराबबंदी की बात घोषणा पत्र में की गई थी, लेकिन इस घोषणा का नतीजा सिफर ही रहा। ये सभी बातें आम लोगों को याद है, जिसे 11 दिसम्बर में सभी को पता चल जाएगा और भाजपा की विदाई होगी। और ये हारे हुए व्यक्ति को प्रोजेक्ट करके, नेता प्रोजेक्ट करके जगह जगह पर होर्डिंग लगा रखी है, वो एडवर्टीजमेंट जारी कर रहे हैं अखबारों में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका आ रहा है, और जनता कहती है तो हम तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि वो हार चुके हुए, हारे हुए सेनापति को से लड़ाई जीतने की उम्मीद करते हैं, वो कभी सपना पूरा नहीं होगा। हम 11 तारीख के बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी उसके बाद धान बेचेंगे, ताकि हमारा कर्ज है वो कर्ज भी माफ होगा, और 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमको दाम भी मिलेगा। और इतना जरूरी काम अपने हाथ में लिया है, शराब बेचने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है। जनता को ये सब पूरी अच्छी तरह याद है कि हमारे हितों की अनदेखी की, गरीबों के हितों की अनदेखी की, ये अच्छी तरह से याद है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस बड़ा दाव खेलने में लगी हुई है। लगातार कांग्रेस भाजपा सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस पर जबानी जंग आखिरी दौर में बेहद तल्ख हो गई है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।